हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल द गेट। माय नेम इज प्रांजलि और हम कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन। हमारी एक्सरसाइज अब जो शुरू होने वाली है वो एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 1.1। इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑर्डर्ड पेयर क्या होते हैं। कोई भी अगर हम पे दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, लेट सपोज ए एंड बी, नॉन एम्प्टी सेट कहने का मतलब है कि कुछ ना कुछ एलिमेंट्स इन दोनों सेट में प्रेजेंट ही प्रेजेंट हैं, ये बिल्कुल एम्प्टी नहीं है, ठीक है। और इसमें है एम नंबर ऑफ एलिमेंट्स और इसमें है एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स जो इन दोनों सेट्स की मदद से बनेंगे, दैट इज डिनोटेड बाय ए मल्टीप्लाई बाय बी, दैट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, ए कॉमा बी सच दैट ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए एंड बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी, ठीक है। ये क्या होगा, इसका ऑर्डर्ड पेयर होगा जिसमें जो पहला एलिमेंट होगा वो इस सेट का होगा, दूसरा एलिमेंट होगा इस सेट का होगा। अगर हम इसको b इंटू ए लिखते तो पहला एलिमेंट इस सेट का आता और दूसरा एलिमेंट इस सेट का आता। अब लेट सपोज a में m नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं और b में n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन दोनों सेट्स की मदद से कितने फॉर्म हो सकते हैं, दैट इज m इंटू n, दैट इज टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। अब इन दोनों के बीच में हम रिलेशंस भी बता सकते हैं, बहुत सारे रिलेशंस हम हो सकते हैं ना। रिलेशन आता है हमारा किसी भी सेट के अंदर, दैट इज रिफ्रेक्सिव रिलेशन। दूसरा आता है हमारा सिमेट्रिक और तीसरा आता है हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन। तो पहले हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन की बात करें तो ये बहुत ही सिंपल चैप्टर है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन और सिमेट्रिक ट्रांजिटिव में बहुत ही सिंपल टर्म्स है। रिफ्लेक्सिव की बात करें तो अगर ए किसी भी एक पर्टिकुलर सेट में बिलोंग कर रहा है ए, तो हमारा जो रिलेशन फॉर्म होगा आर सच दैट, उसमें क्या होना चाहिए, ए कॉमा ए बिलोंग करना चाहिए, दैट इज इफ ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर सच दैट दैट पर्टिकुलर ए बिलोंग्स टू द गिवन सेट ए, दैट इट मींस द रिलेशन इज सेट टू बी अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सिमेट्रिक की बात करें तो अगर इफ a कॉमा बी बिलोंग्स टू r, अगर a कॉमा बी r के अंदर है तो b कॉमा a भी r के अंदर होना चाहिए, तभी वो रिलेशन क्या कहलाएगा, हमारा सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा, ठीक है। ट्रांजिटिव की बात करें, दैट इज थर्ड फॉर्म ऑफ रिलेशन, तो वो रिलेशन ट्रांजिटिव तभी कहलाएगा इफ a कॉमा बी बिलोंग्स टू r एंड b कॉमा c बिलोंग्स टू r। ये क्या है हमारी, ये हमारी कंडीशन है कि ये दोनों तो होना ही चाहिए। अगर a कॉमा बी आर के अंदर है और b कॉमा सी भी आर के अंदर है तो a कॉमा सी भी आर के अंदर होना चाहिए। अगर ये आर के अंदर है तो हमारा वो रिलेशन भी क्या कहलाता है, उस सेट के अंदर, उस सेट की वजह से जो रिलेशन फॉर्म हुआ है वो हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाएगा। और अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो वो पर्टिकुलर रिलेशन हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन भी कहलाता है। ये थे हमारे छोटे छोटे टर्म्स जो हमको इस अभी याद रखना है इस एक्सरसाइज के लिए, ठीक है। तो करते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.1। तो इसके अंदर जो पहला क्वेश्चन है हमारा, उसमें हमें बताना है कि ये जो पर्टिकुलर रिलेशन हमें दिए गए हैं एक सेट के अंदर ए, वो क्या है, हमारा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो पहला क्वेश्चन हमें गिवन है, आर इज इक्वल्स टू, हमें बोला गया रिलेशन आर इन सेट ए आर एक्स कॉमा वाई सच दैट 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। ये क्या है, हमारी कंडीशन दी गई है सेटिस्फाई करने के लिए। और ए एक सेट है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं 1 से लेकर 10। अब हमें ये बताना है ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव है या नहीं। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन बताने के लिए मैंने क्या बोला था कि जो उसका इमेज होगी, दैट इज अगर दो सेट्स की मैं बात करूं तो जो पहला सेट है हमारा वो हमारा डोमेन सेट कहलाता है, दैट इज, और ये जो बी सेट है हमारा वो हमारा को डोमेन या रेंज सेट कहलाता है। अब जो हमारा ए सेट है उसके सारे एलिमेंट्स की इमेज बी सेट में होगी और जो बी सेट है उसकी प्री इमेज ए सेट में होगी, उसकी क्या होगी, प्री इमेज ए सेट में होगी। तो हमें बोला कि अगर मैं रिफ्लेक्सिव की बात करूँ तो सेट ए से ही ए तक एक क्या हो रहा है, रिलेशन फॉर्म हो रहा है। ए और ए दोनों सेट ए ही है, मतलब दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, 1 से लेकर 10 तक है और 1 से लेकर 10 तक ही है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब मेरे को ये बताना है कि वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी या नहीं होगी।
तो रिफ्लेक्सिव तब कहलाता है इफ ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, लेकिन आर क्या कर रहा है, ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो ए अगर लेट सपोज मैं ए वन ले लूं, ए वन ले लूं, तो कंडीशन उसने ये सेटिस्फाई करनी चाहिए, दैट इज पहला क्या होता है एक्स क्या होता है डोमेन और y क्या होता है हमारा को डोमेन। मैंने वैल्यू 1 ले ली तो यहाँ से जो y की वैल्यू आएगी y क्या हो जाएगा मेरा 2x, दैट इज y की वैल्यू आ जाएगी 2। तो a कॉमा a दैट इज 1 कॉमा 1 कभी पॉसिबल नहीं है ये कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए, 2 कॉमा 2 कभी पॉसिबल नहीं है, 3 कॉमा 3 कभी पॉसिबल नहीं है। तो मतलब ये वाला जो सेट होगा वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो फॉर्म नहीं करेगा, ठीक है। अब दूसरी बात आती है सिमेट्रिक की, तो सिमेट्रिक रिलेशन की कंडीशंस होती हैं इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, इट इंप्लाइज दैट बी कॉमा ए शुड आल्सो बिलोंग्स टू आर। मतलब अगर ए कॉमा बी आर के अंदर है तो बी कॉमा ए भी आर के अंदर होना चाहिए, अगर ए कॉमा बी आर के अंदर है तो वो ये रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा होगा, दैट इज 2a is equals to b form हो रहा होगा, a क्या होगा x और b क्या होगा y, तो 2ab condition satisfy हो रही होगी। अगर 2a comma equals to b condition satisfy हो रही है तो b comma a कभी नहीं हो सकता क्योंकि इसके मुताबिक 2b equals to a होना चाहिए, लेकिन 2a equals to b है, 2b equals to a नहीं है, तो ये condition भी क्या हो गई symmetric relation ये नहीं है। तीसरा आता है हमारा transitive, तो transitive होता है if a comma b belongs to R and b comma c belongs to R, it implies that a comma c belongs to R, ठीक है। a comma b belongs to R का मतलब है 2a is equals to b, 2a is equals to b, b comma c belongs to R का मतलब है 2b is equals to c, और a कॉमा c भी इनका मतलब है ट्रांजिटिव तभी कहलाएगा जब a कॉमा c भी r के अंदर होगा, दैट इज 2a इज इक्वल्स टू c भी होना चाहिए। लेकिन अगर मैं b यहाँ पे b है इस वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो हो जाएगा मेरा 4a इज इक्वल्स टू 2b, 2b क्या है मेरा c, तो 4a इज इक्वल्स टू c होगा, 2a इज इक्वल्स टू c कभी नहीं होगा, तो मतलब ये रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन भी नहीं है। तो इसका मतलब है जो ये रिलेशन है a के अंदर वो ना ही सिमेट्रिक है, ना ही रिफ्लेक्सिव है, ना ही ट्रांजिटिव हमारा रिलेशन है, ठीक है। ये था इसका क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। अब करते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट, रिलेशन r क्या है सेट z के अंदर। तो z क्या है, z एक इंटीजर्स का सेट होता है, दैट इज सारे नेगेटिव नंबर्स, फिर जीरो और फिर सारे पॉजिटिव नंबर्स इसमें इंक्लूडेड हैं, ठीक है। हमें बोला गया रिलेशन, हमें दिया गया r इज इक्वल्स टू x कॉमा y सच दैट x माइनस y इज एन इंटीजर, इज एन इंटीजर, ठीक है, x माइनस y इज एन इंटीजर। तो पहला है मेरा रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव क्या कहता है कि इफ a कॉमा a बिलोंग्स टू r for every a belongs to that particular set z, therefore r is said to be reflexive relation, ठीक है। if a comma a belongs to r का क्या मतलब है कि ये जो term है ये इसको satisfy करनी चाहिए, that is a minus a, x comma y था लेकिन यहाँ पे हम a comma ले तो a minus a इज एन इंटीजर, तो a माइनस a क्या होगा, कोई भी टर्म ले लो, कोई भी a की वैल्यू ले लो तो वो क्या आएगा जीरो, जीरो एक इंटीजर है, मतलब ये जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो है। अब सिमेट्रिक की बात करते, सिमेट्रिक कहलाता है इफ a कॉमा b बिलोंग्स टू r फॉर एवरी a b बिलोंग्स टू दैट पर्टिकुलर सेट z, इट इम्प्लाइज दैट b कॉमा a ऑल्सो बिलोंग्स टू r, ठीक है। b कॉमा a भी क्या r के अंदर होना चाहिए, a कॉमा b belongs to r का मतलब है a माइनस b क्या है एक इंटीजर है, a माइनस b एक इंटीजर है, तो b माइनस a भी एक इंटीजर होगा ही होगा, ठीक है। आप कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, अगर मैंने a ले लिया माइनस 1 और b ले लिया 2, तो माइनस 1 माइनस 2 दैट इज माइनस 3 एक इंटीजर है, वहीं b माइनस a दैट इज 2 माइनस माइनस 1 ले लिया तो ये भी एक इंटीजर है, चाहे वैल्यूज चेंज हो जाए लेकिन ये भी तो एक इंटीजर है।
तो ये हर वैल्यूज के लिए ये रिलेशन क्या कहलाएगा, एक सिमेट्रिक रिलेशन होगा ही होगा। तीसरा आता है हमारा ट्रांजिटिविटी टेस्ट, दैट इज इफ ए कॉमा बी आर के अंदर है और बी कॉमा सी भी आर के अंदर है, तो इट इम्प्लाइज दैट ए कॉमा सी भी आर के अंदर होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी क्या होगा, ये रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन भी होगा। ठीक है, ये था हमारा सेकेंड पार्ट। तो मतलब ये वाला रिलेशन हम कह सकते हैं कि ये क्या है, एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। ये क्या है, एक हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही थर्ड पार्ट, जो हमें कहता है रिलेशन आर ऑन सेट ए, ए एक सेट है 1 से लेकर 6 तक, इसके अंदर एक रिलेशन है हमारा, दैट इज आर इज इक्वल्स टू ए कॉमा बी, बी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखिए, ये हमें बताना है कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। तो R की वैल्यूज बता देते हैं, R का एक सेट बना देते हैं। अगर A की वैल्यू 1 हुई, क्योंकि A कॉमा B क्या है, A पे ही बिलोंग कर रहे हैं, A कॉमा B क्या है, एक सेट A पे ही है, तो हर वैल्यूज A कॉमा B की क्या होगी, सेट A पे ही होगी। तो अगर मैं A की वैल्यू 1 ले लूँ तो B क्या आ जाएगा, 1 + 1 दैट इज 2। अगर मैं A की वैल्यू 2 ले लूँ तो B आ जाएगा 3, अगर 3 तो ये आ जाएगा 4, अगर 4 तो ये आ जाएगा 5, अगर 5 तो ये आ जाएगा 6, अगर मैंने 6 ले लिया तो ये आ जाएगा 7। लेकिन 7 क्या है, यहाँ इंक्लूडेड नहीं है, तो ये वाली टर्म तो आएगी ही नहीं। तो यहाँ तक क्या आ गया, मेरा रिलेशन आ गया इसके मुताबिक। ठीक है, अब मुझे बताना है ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, इफ ए कॉमा ए आर में बिलोंग करना चाहिए फॉर एवरी ए belongs to that particular set A. अब A comma A का क्या मतलब है कि A is equals to A plus 1 होना चाहिए, ये कभी भी possible नहीं है। A equals to A plus 1 कैसे हो सकता है, ये दोनों terms तो equal हैं, तो A A plus 1 के equal कभी नहीं हो सकता, तो ये मतलब ये reflexive relation तो नहीं है। अब बात आती है symmetry, और आप यहाँ से भी देख सकते हैं 1, 1 कहीं पे नहीं है, 2, 2 कहीं पे नहीं है, 3, 3 कहीं पे नहीं है, तो ये relation reflexive नहीं होगा। सिमेट्रिक की बात करते हैं, सिमेट्रिक होता है इफ ए कॉमा बी आर के अंदर है फॉर एवरी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए दैट पर्टिकुलर सेट, इट इम्प्लाइज दैट बी कॉमा ए भी क्या होना चाहिए, ए के आर के अंदर होना चाहिए। ठीक है, ए कॉमा बी आर के अंदर का क्या मतलब है, दैट इज इक्वल्स टू बी प्लस 1, नहीं बी इज इक्वल्स टू ए प्लस 1 होना, बी इज इक्वल्स टू ए प्लस 1, ये हमारा क्या है, हमें पता है ये है, ये है, तो इसका मतलब ये भी होना चाहिए बी कॉमा ए, दैट इज ए इज इक्वल टू बी प्लस 1। तो जब ये ट्रू है तो ये ट्रू कैसे हो सकता है, ए क्या हो जाएगा, बी माइनस 1 हो जाएगा, तो ये रिलेशन सिमेट्रिक भी रिलेशन नहीं है। तीसरा आता है ट्रांजिटिव रिलेशन, इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू दैट पर्टिकुलर सेट ए, इट इम्प्लाइज दैट ए कॉमा सी भी क्या होना चाहिए, आर के अंदर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से ये रिलेशन सेटिस्फाई हो रहा है, तो ये बोलता है इसका मतलब है बी इज इक्वल्स टू ए प्लस 1 होना चाहिए, ये कह रहा है हमारा कि सी इज इक्वल्स टू बी प्लस 1 होना चाहिए, और ये कह रहा है हमारा सी इज इक्वल्स टू ए प्लस 1 होना चाहिए। ठीक है, ये दोनों तो ट्रू हैं, ये दोनों तो हमने लिए हैं कि ये दोनों ट्रू हैं। अगर ये दोनों ट्रू हैं और ये भी इनके मुताबिक ट्रू हो गया तो ये रिलेशन सिमेट्रिक कहलाएगा। तो देखिए, इस वाली इक्वेशन में अगर मैं बी की जगह ए प्लस 1 रख दूं तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस 1 प्लस 1 दैट इज ए प्लस 2, तो सी क्या होना चाहिए, ए प्लस 2 के इक्वल होना चाहिए, लेकिन सी ए प्लस 1 के इक्वल है, तो मतलब ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी नहीं है, ये रिलेशन ना ही रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है, ना ही ट्रांजिटिव रिलेशन। अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर सेकेंड इसी एक्सरसाइज का, तो हमें बोला कि हम पे एक सेट है ए जिसके एलिमेंट्स हैं 1 से लेकर 6 तक, और एक रिलेशन दिया गया इसी सेट में, दैट इज एक्स कॉमा वाई सच दैट वाई इज डिविजिबल बाय एक्स।
तो हमें बोला गया सबसे पहले तो राइट दैट इज रिलेशन इन रोस्टर फॉर्म. रोस्टर फॉर्म मतलब इनकी वैल्यूज के टर्म्स में लिखना है. तो आर क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल्स टू पहला जो पेयर बनेगा वो क्या बनेगा, वाई इज डिविजिबल बाय एक्स. तो पहला ले लेते हैं, एक्स क्या है, वन है. जब एक्स वन है वाई भी वन लेते हैं, तो वन कॉमा वन दैट इज वन इज डिविजिबल बाय वन दैट इज टू. अब एक्स तो वन ही रहने दिया, वाई क्या कर दिया टू, टू इज डिविजिबल बाय वन दैट इज टू. थ्री इज ऑल्सो डिविजिबल बाय वन, फोर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय वन, फाइव इज ऑल्सो डिविजिबल बाय वन, सिक्स इज ऑल्सो डिविजिबल बाय वन. अब x क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, टू कर देते हैं, ठीक है, x टू कर दिया. तो y फिर वन लिया, वन इज डिविजिबल बाय टू, नो नो, टू इज डिविजिबल बाय टू, हाँ टू इज डिविजिबल बाय टू, ठीक है. अब थ्री इज डिविजिबल बाय टू, नहीं. फोर इज डिविजिबल बाय टू दैट इज टू. फाइव इज डिविजिबल बाय टू, नहीं. लेकिन सिक्स इज डिविजिबल बाय टू, ठीक है, टू ले लिया. अब थ्री ले लेते हैं x, तो क्या हो जाएगा, वन इज डिविजिबल बाय थ्री, नहीं. टू इज डिविजिबल बाय थ्री, नहीं. थ्री इज डिविजिबल बाय थ्री, यस. फोर इज डिविजिबल बाय थ्री, नहीं. फाइव इज डिविजिबल बाय थ्री, नहीं. लेकिन सिक्स इज डिविजिबल बाय थ्री, ठीक है. अब x ले लेते हैं फोर, तो वन इज डिविजिबल बाय फोर, टू इज डिविजिबल बाय फोर, थ्री इज डिविजिबल बाय फोर, लेकिन फोर इज डिविजिबल बाय फोर. फाइव भी नहीं होगा, सिक्स भी नहीं होगा. फाइव के लिए तो कुछ भी नहीं होगा, और सिक्स के लिए भी क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा. फाइव के लिए बस क्या होगा, फाइव इज डिविजिबल बाय फाइव, और सिक्स इज डिविजिबल बाय सिक्स. तो नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स इस रिलेशन के लिए कितने हो गए, तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन एंड फोर्टीन, ठीक है. अब हमें बोला गया कि प्रूव करना है कि रिलेशन ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव है या नहीं है. तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होने के लिए क्या होना चाहिए, इफ ए कॉमा ए आर के अंदर होना चाहिए, ठीक है. ए कॉमा ए आर के अंदर है तो मतलब ये रिलेशन क्या है, हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन है. अब ए कॉमा ए दैट इज वन कॉमा वन, वन इज डिविजिबल बाय वन, हाँ है आर के अंदर. टू कॉमा टू भी है, थ्री कॉमा थ्री भी है, फोर कॉमा फोर भी है, फाइव कॉमा फाइव भी है, सिक्स कॉमा सिक्स भी है. तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन है. सिमेट्री की बात करते हैं, तो सिमेट्री कहता है इफ ए कॉमा बी आर के अंदर है, तो इट इम्प्लाइज दैट बी कॉमा ए भी क्या होना चाहिए, आर के अंदर होना चाहिए. दैट इज अगर वन कॉमा टू आर के अंदर है, क्या ले लेते हैं, टू कॉमा वन ले लेते हैं. टू कॉमा वन तो आर के अंदर है, ए क्या है, मैंने टू ले लिया, और बी क्या ले लिया, मैंने वन ले लिया. टू कॉमा वन आर के अंदर है, तो वन कॉमा टू भी आर के अंदर होना चाहिए. वन कॉमा टू कहीं दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है, तो मतलब कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, तो ये रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है, लेकिन रिफ्लेक्सिव तो है. आप ट्रांजिटिव की बात करते हैं, ट्रांजिटिव कहता है इफ ए कॉमा बी आर के अंदर है और बी कॉमा सी भी आर के अंदर है, तो ए कॉमा सी भी आर के अंदर होना चाहिए, तभी रिलेशन ट्रांजिटिव कहलाएगा. अब ए कॉमा बी के लिए मैंने ले लिया सिक्स कॉमा सिक्स, तो क्या है, सिक्स कॉमा सिक्स आर के अंदर है. बी कॉमा सिक्स के ले लिया मैंने सिक्स कॉमा टू टू, तो ए कॉमा सी दैट इज सिक्स कॉमा टू भी क्या होना चाहिए, आर के अंदर होना चाहिए, तो वो तो है ही. तो ये रिलेशन क्या है, हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन भी है. चाहे आप कोई भी नंबर्स ले लें, वो आर के अंदर होगा ही होगा. तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव तो है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं. अब करते हैं अब तक क्वेश्चन नंबर थ्री ऑफ दिस चैप्टर ऑफ दिस एक्सरसाइज. हमें बोला गया एक नेचुरल नंबर का सेट है दैट इज एन, और एक रिलेशन दिया गया है एक्स कॉमा वाई सच दैट टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 41. पहला जो पार्ट है हमें बताना है कि डोमेन सेट क्या होगा, रेंज सेट क्या होगा. दूसरा बताना है कि ये जो रिलेशन है सेट एन में, ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं है. तो हमें निकालना है डोमेन सेट एंड रेंज सेट. तो डोमेन सेट होता है जो रिलेशन आर का जो फर्स्ट एलिमेंट है ऑर्डर्ड पेयर का दैट इज एक्स, वो सारे क्या होगा, हमारा डोमेन का सेट होगा सारे एक्स. रेंज होता है सारे एलिमेंट वाई, और हमारा एक और टर्म आता है कोडोमेन. कोडोमेन होता है सारे नेचुरल नंबर जिस सेट के अंदर है, वो हमारा कोडोमेन होगा. जो रिलेशन का पार्ट नहीं है लेकिन अभी बचे हुए एलिमेंट्स हैं, ठीक है, वो होता है हमारा कोडोमेन. तो आर रिलेशन बना देते हैं, तो एक्स की वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक जा सकती हैं. तो एक्स के नेचुरल नंबर तो होगा वन से लेकर इन्फिनिटी तक,
लेकिन x की वैल्यू कहाँ कहाँ से रेंज कर सकते हैं। अगर मैं x 1 ले लूँ तो 2 इंटू 1 दैट इज 2 प्लस y कितना हो जाएगा 39। तो डोमेन का जो एक पहला सेट आ गया और रेंज का जो दूसरा सेट आ गया, तो डोमेन जब 1 है, जब क्या है x की वैल्यू 1 है, तो रेंज क्या आ जाएगा 39, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 39। अब मैंने डोमेन बढ़ा के 2 कर दिया तो 2 जा क्या हो जाएगा मेरा 4 7, ठीक है, ये भी क्या हो गया मेरा रेंज का सेट हो गया। अब देखिए x की वैल्यू कहाँ कहाँ तक रेंज कर सकते हैं, तो मैं x कहाँ कहाँ तक बढ़ा सकती हूँ। तो अगर मैंने x 20 ले लिया, लेके चलिए, अगर मैंने x 20 ले लिया तो 2 into 20 40 अभी भी इससे कम है, प्लस अगर मैं x 40 ले लेती हूँ तो मेरा जो रेंज आएगा वो क्या आएगा 1 आएगा, y की वैल्यू क्या आएगी मेरी 1 आएगी। अगर मैंने 20 से एक्सीड कर दिया, दैट इज 21 कर दिया, सॉरी यहाँ पे 20 आएगा, अगर मैं 21 कर दूँ, 21 2 जा 42, तो 42 आ गया, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए 41 होने के लिए, -1 होना चाहिए, दैट इज y की वैल्यू -1, लेकिन -1 नेचुरल नंबर नहीं है, तो मतलब लास्ट वैल्यू जो x की हो सकती है वो हमारी हो सकती है हमारी 20 ही हो सकती है। तो जो डोमेन सेट होगा वो 1 से लेकर क्या होगा 20 के बीच में होगा। अब रेंज की बात करते हैं, तो जब 20 था तो 1 था, जब 1 था तो जब 39 था, अब जब 2 है तो 37 है। अगर अब मैंने 3 ले लिया तो ये क्या हो जाएगा 2 3 जा 6, 6 प्लस y इज इक्वल टू 41, तो y कितना हो जाएगा मेरा 41 माइनस 6 दैट इज 35, तो क्या आ गया 35। तो वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं 39 37 35 33 31 29 27, तो अप टू 1, ठीक है, ऐसे ऐसे करके। तो ये हो गया हमारा रेंज सेट और हो गया हमारा डोमेन सेट। दूसरा बोला गया रिलेशन रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव है या नहीं, तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए दैट इज इफ a कॉमा a आर के अंदर होना चाहिए। तो a कॉमा a कभी भी आर के अंदर नहीं हो सकता, क्योंकि x की वैल्यू कुछ भी रखेंगे तो y x के इक्वल कभी नहीं आएगा। क्या आएगा मेरा y हमेशा 2x आएगा, y हमेशा क्या आएगा मेरा 41 माइनस 2x आएगा। तो x की वैल्यू में कभी भी कुछ भी रख दूं वो कभी y के इक्वल नहीं आएगी, तो रिफ्लेक्सिव ये रिलेशन कभी नहीं कहला सकता। मतलब ये 2a प्लस a इज इक्वल टू 41 कभी नहीं होगा, 2a प्लस a इज इक्वल टू 41 क्या होगा कभी नहीं होगा, ठीक है। अब दूसरा है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मतलब इफ a कॉमा b r के अंदर है तो b कॉमा a भी r के अंदर होना चाहिए। इफ a कॉमा b r के अंदर है तो b कॉमा a भी r के अंदर होना चाहिए। दैट इज एक एग्जांपल ले लेते हैं, मैंने ले लिया 1 और 39, दैट इज 2 इंटू 1 प्लस 39 इज इक्वल टू 41, तो इसका मतलब है 39 कॉमा 1 भी होना चाहिए, दैट इज 2 इंटू 39 प्लस 1 इज इक्वल टू 41, तो ये पॉसिबल नहीं है, तो ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। तीसरा आता है हमारा ट्रांजिटिव, दैट इज इफ a कॉमा b हमारा r के अंदर है और b कॉमा c भी हमारा r के अंदर है, तो इट मीन्स a कॉमा c भी हमारा r के अंदर होना चाहिए, ठीक है। a कॉमा b r के अंदर का क्या मतलब है, दैट इज 2a प्लस y, 2a प्लस b क्या है हमारा 41 है, दैट इज 2a प्लस b इज इक्वल टू 41। और b कॉमा c का क्या मतलब है, दैट इज 2b प्लस c इज इक्वल टू 41। अब a कॉमा c कह रहा है मेरे को कि 2a प्लस c भी क्या होना चाहिए 41 होना चाहिए, 2a प्लस c भी क्या होना चाहिए मेरा 41 होना चाहिए, अच्छा, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, ये कभी नहीं आ सकता। तो ये रिलेशन ना ही रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है, ना ही क्या है हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो हमें बोला गया है वो है, एक सेट है ए, वो सेट है ह्यूमन बीइंग्स का जो एक पर्टिकुलर सिटी में रह रहे हैं, और एक रिलेशन हमें दिया गया है एक्स कॉमा वाई such that x and y work at same place। तो ये हमें बताना है, ये जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव होगा या नहीं, ठीक है, हमें ये बताना है ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव होगा या नहीं। अब देखिए a क्या है, सेट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, तो अगर मैं रिफ्लेक्सिव की बात करूं, रिफ्लेक्सिव होता है इफ
ए कॉमा ए आर के अंदर है तो वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव है. ए कॉमा ए मतलब ए एंड ए वर्क एट सेम प्लेस. हर कोई आदमी एक ही जगह पे काम करेगा तो वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव तो है, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है. सिमेट्रिक की बात करते हैं. इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर इट इम्प्लाइज दैट बी कॉमा ए शुड ऑल्सो बिलोंग्स टू आर. दैट इज ए कॉमा बी मतलब ए एंड बी वर्क एट सेम प्लेस. ए और बी एक साथ काम करते हैं एक ही जगह पे, तो बी कॉमा ए दैट इज बी एंड ए वर्क एट सेम प्लेस, तो ये भी तो ट्रू हो जाएगा. तो ये रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन भी है. तीसरा आता है हमारा ट्रांजिटिव, दैट इज इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी भी आर के अंदर है तो इट मीन्स दैट ए कॉमा सी भी आर के अंदर होना चाहिए. दैट इज ए कॉमा बी मतलब ए और बी दोनों एक ही जगह में काम कर रहे हैं, तो ये एक जगह है जहां ए और बी साथ में काम कर रहे हैं. बी और सी भी उसी जगह में काम कर रहे हैं तो बी और सी, तो यहां से हमें पता चलता है ए और सी भी तो वहीं काम कर रहे हैं. तो मतलब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है. इसका सेकेंड पार्ट है हमारा एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी. अब बोला गया है कि एक्स और वाई एक ही जगह पे रहते हैं, ठीक है, तो ए कॉमा ए भी एक ही जगह पे रहते होंगे तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है. ए कॉमा बी एक जगह पे रहते हैं तो बी कॉमा दैट इज ए और बी एक जगह पे रहते हैं तो बी और एक भी तो एक ही जगह पे रहते हैं, बस रिवर्स ही तो कर दिया. अब ए कॉमा बी एक जगह पे रहते हैं और बी कॉमा सी भी एक जगह पे रहते हैं तो ए कॉमा सी तो एक जगह पे होंगे ही होंगे, ठीक है, तो ये रिलेशन भी हमारा रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों है. तीसरा है हमारा x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y. x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y. ये तो मतलब इफ a कॉमा a r के अंदर होने के लिए मतलब a इज एग्जैक्टली a सेंटीमीटर टॉलर देन a, मतलब कोई अपने से 7 सेंटीमीटर टॉलर खुद ही कैसे हो सकता है, तो मतलब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव तो नहीं है. अब सिमेट्री की बात करते हैं. इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर दैट इज ए इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन बी, तो बी इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन ए कैसे हो सकता है जब ए खुद ही बी से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, तो बी ए से 7 सेंटीमीटर बड़ा कैसे हो सकता है, तो ये भी फॉल्स. तीसरा ए 7 सेंटीमीटर बड़ा है बी से, बी 7 सेंटीमीटर बड़ा है सी से, दैट इज ए क्या है 7 सेंटीमीटर बड़ा है बी से, 7 और बी 7 सेंटीमीटर बड़ा है सी से, तो ए सी से 14 सेंटीमीटर बड़ा होना चाहिए लेकिन ये क्या बोल रहा 7 होगा, तो ये भी क्या है रॉन्ग. तो ये ना रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव है. चौथा है हमारा लास्ट, एक्स एंड वाई लिव विद इन 2 किलोमीटर्स. क्या बोला गया कि x और y की डिस्टेंस क्या है 2 किलोमीटर्स के रेंज में रहते हैं, वो 2 किलोमीटर्स के अंदर अंदर रहते हैं वो. तो a कॉमा a बिलोंग्स टू आर दैट इज a कॉमा a बिलोंग्स टू आर का क्या मतलब है, a एंड a 2 किलोमीटर की रेंज में रहते हैं तो रहते ही होंगे, ज्यादा तो रह नहीं सकते हैं. a कॉमा b दैट इज a और b 2 किलोमीटर की रेंज में रहते हैं तो b और a भी तो 2 किलोमीटर की रेंज में रहते होंगे, तो ये भी ट्रू है. अब a कॉमा b दैट इज a और b 2 किलोमीटर की रेंज में रहते हैं, तो ये देखते हैं a और b हैं वो 2 किलोमीटर की रेंज में रहते हैं और b और c है वो भी 2 किलोमीटर की रेंज में रहते हैं, तो जरूरी नहीं है कि a और c भी 2 किलोमीटर की रेंज में हो, जरूरी नहीं है. तो ये क्या है हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है. अब शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5, वो भी एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर 4 पे ही है, बस क्या है हमारा थोड़ी चेंज हो चुका है. क्वेश्चन नंबर 5 में हमें बोला गया एक सेट है स्टूडेंट्स का, एक टाइम पे, एक पर्टिकुलर टाइम पे एक सेट है स्टूडेंट का और पहला रिलेशन हमें दिया गया है x कॉमा वाई सच दैट x एंड y आर ऑनेस्ट, मतलब वो दोनों क्या है सच्चे हैं, x एंड y आर ऑनेस्ट. तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है इफ a कॉमा a आर के अंदर है, दैट इज x कॉमा x आर के अंदर, दैट इज x एंड x आर ऑनेस्ट. ये दोनों क्या ऑनेस्ट है, वो एक ही आदमी है तो एक ऑनेस्ट है दूसरा भी ऑनेस्ट ही होगा, वो एक ही आदमी है तो ऑनेस्ट होगा ही, तो क्या ये रिलेशन क्या हो गया मेरा रिफ्लेक्सिव हो गया.
अब सिमेट्रिक है दैट इज इफ ए कॉमा बी आर के अंदर है, इट इंप्लाइज दैट बी कॉमा ए भी आर के अंदर होना चाहिए, दैट इज ए कॉमा बी दैट इज ए एंड बी आर ऑनेस्ट, तो बी और ए भी ऑनेस्ट ही होंगे, ये सिमेट्रिक भी है. ट्रांजिटिव है दैट इज इफ ए कॉमा बी आर के अंदर है एंड बी कॉमा सी भी आर के अंदर है, तो ए कॉमा सी भी आर के अंदर होना चाहिए. अब ए और बी ऑनेस्ट हैं, बी और सी भी ऑनेस्ट है, तो ए और सी भी ऑनेस्ट ही होंगे. तो ये क्या है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी. सेकेंड पार्ट है ऑनेस्ट की जगह पे कर दिया ओबीडियंट, अब देखिए ए कॉमा ए दैट इज ए एंड ए आर ओबीडियंट, तो ओबीडियंट तो हो गई. अब ए कॉमा बी, ए एंड बी ओबीडियंट हैं तो बी और ए भी तो ओबीडियंट ही होंगे. अब ए और बी ओबीडियंट हैं, बी और ए सी भी ओबीडियंट हैं, तो ए और सी भी ओबीडियंट होंगे ही होंगे. अब यहाँ पे थर्ड है हार्ड वर्किंग, तो ए हार्ड वर्किंग है, ए और बी हार्ड वर्किंग है, तो बी और ए भी हार्ड वर्किंग होगा ही होगा. ए बी हार्ड वर्किंग है, बी सी भी हार्ड वर्किंग है, तो ए सी भी हार्ड वर्किंग होगा ही होगा. दैट इज ये रिलेशन भी क्या है, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है ही. अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज आवर क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 में हमें बोला गया एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3 और एक रिलेशन दिया गया है, रोस्टर फॉर्म में दिया गया, उसके एलिमेंट्स हैं हमारे ऑर्डर पेयर हैं 1, 2, 3, 1, 2 एंड 2, 3. हमें बोला गया है, हमें प्रूफ करना है कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव तो है लेकिन सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव नहीं है. तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए मैंने क्या बोला था, इफ ए कॉमा ए क्या होना चाहिए, आर के अंदर होना चाहिए, ठीक है, और ए क्या होना चाहिए, ए का एक एलिमेंट होना चाहिए. तो ए के एलिमेंट क्या है, 1, दैट इज 1, 1 आर के अंदर है, 2, 2 भी आर के अंदर है, और 3, 3 भी आर के अंदर है, तो दैट इज ये रिलेशन क्या है, हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन है. सिमेट्रिक होने के लिए क्या होता है, सिमेट्रिक होता है हमारा इफ ए कॉमा बी आर के अंदर है, इट इम्प्लाइज दैट बी कॉमा सी, इट इम्प्लाइज दैट बी कॉमा ए भी क्या होना चाहिए, मेरा आर के अंदर होना चाहिए. तो मैं एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ, मैंने ले लिया 1, 2, ठीक है, 1, 2 तो आर के अंदर है लेकिन 2, 1 आर के अंदर नहीं है, तो मतलब ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है. ट्रांजिटिव ले लेते हैं, तो वो हो जाएगा मेरा इफ ए कॉमा बी आर के अंदर है और बी कॉमा सी मेरा आर के अंदर है, इट इम्प्लाइज दैट ए कॉमा सी भी क्या होना चाहिए, मेरा आर के अंदर होना चाहिए, ठीक है. ए कॉमा बी आर के अंदर है का क्या मतलब है, दैट इज 1, 2 आर के अंदर है, 2, 3 भी आर के अंदर है. मैंने ए क्या ले लिया, 1, बी ले लिया 2, सी ले लिया 3, दैट इज 1, 2 आर के अंदर है, 2, 3 भी आर के अंदर है लेकिन 1, 3 आर के अंदर नहीं है कहीं पे. तो ये क्या है, रिलेशन ट्रांजिटिव भी नहीं है. तो ये रिलेशन सिर्फ रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव रिलेशन ये नहीं है, ठीक है. अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7. और हमें बोला गया एक रिलेशन है आर ऑन सेट ऑफ होल नंबर्स. होल नंबर्स का सेट क्या होता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स प्लस 0, 0 से लेकर इंफिनिटी तक, ये क्या है, सेट ऑफ होल नंबर्स. और रिलेशन दिया गया है हमें आर 3x + 2y = 12. रिलेशन क्या है, x, y such that 3x + 2y = 12, यही है. हाँ, और हमें बोला गया इसकी रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव चेक करना है कि है कि नहीं. तो देखिए रिफ्लेक्सिव कैसे होगा ये, दैट इज इफ ए कॉमा ए आर के अंदर होना चाहिए. ए कॉमा ए आर के अंदर कैसे हो सकता है, अगर मैं 0 ले लूँ तो 3 × 0 + 3 × 0 + 2 × 0 = 12 कभी भी नहीं आएगा. 1 ले लेती हूँ तो 3 × 1 + 2 × 1 = 12 नहीं आएगा. तो ये 1, 1 दैट इज ए कॉमा ए कभी ट्रू नहीं होगा, दैट इज दिस रिलेशन इज फॉल्स, ठीक है. अब है सिमेट्रिक, दैट इज इफ ए कॉमा बी आर के अंदर है, इट इम्प्लाइज दैट बी कॉमा ए भी क्या होना चाहिए, हमारा आर के अंदर होना चाहिए, दैट इज 3a + 2y = 12 है, 3a + 2b की वैल्यू 12 है, तो 2b
प्लस 3a की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, हमारी 12 होनी चाहिए 3b और 2a की, 3b और 2a की वैल्यू भी हमारी क्या होनी चाहिए, 12 होनी चाहिए। तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। मैं एग्जांपल ले लेते हैं, a मैंने ले लिया 2 और b मैंने ले लिया 3, ठीक है, दैट इज 3 इंटू 2 6 प्लस 2 इंटू 3 6, दैट इज 6 प्लस 6 दैट इज 12। अब b मैंने ले लिया, b 3 था तो 3 इंटू 3 दैट इज 9 और प्लस 2 इंटू 2 दैट इज 4, तो 9 प्लस 4 दैट इज 13, ये ट्रू नहीं है, दैट इज ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। अब आता है ट्रांजिटिव की बात, दैट इज इफ a कॉमा b R के अंदर है और b कॉमा c भी R के अंदर है, इट इम्प्लाइज दैट a कॉमा c भी R के अंदर मेरा होना चाहिए। a कॉमा b R के अंदर है, दैट इज 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 12 और 3b प्लस 2c इज इक्वल टू 12। तो इनका मतलब है 3a प्लस 2c भी क्या होना चाहिए, 12 होना चाहिए। तो ये कभी भी ट्रू नहीं होगा, मतलब ये रिलेशन ना ही सिमेट्रिक है, ना ही रिफ्लेक्सिबल, ना ही ट्रांजिटिव रिलेशन। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज आवर क्वेश्चन नंबर 8, वो बोला गया है हमारा एक सेट है दैट इज नॉन जीरो, हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, वो बोला गया हमारा एक सेट है नॉन जीरो रेशनल नंबर्स का और एक रिलेशन दिया गया है आर सच दैट एक्स कॉमा वाई, सच दैट एक्स इज इक्वल्स टू 1/y। अब चेक करना है ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है या नहीं। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए दैट इज इफ a कॉमा ए आर के अंदर हो, a कॉमा ए आर के अंदर होने के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए, दैट इज a इज इक्वल्स टू 1/a, a इज इक्वल्स टू 1/a कभी नहीं होगा, पॉसिबल ही नहीं है। a क्या है, 1/a कभी नहीं होगा, ठीक है। अब दूसरा आता है सिमेट्रिक, सिमेट्रिक क्या हो जाएगा हमारा, इफ a कॉमा b आर के अंदर है, इट इम्प्लाइज दैट b कॉमा ए भी क्या होना चाहिए, मेरा r के अंदर होना चाहिए, दैट इज इक्वल्स टू 1/b है तो b इज इक्वल्स टू 1/a भी होगा, तो b यहाँ पे भेज देंगे, a नीचे भेज देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, b इज इक्वल्स टू 1/a अपने आप ही हो जाएगा। तो मतलब ये ट्रू है, ये रिलेशन हमारा सिमेट्रिक रिलेशन तो कहलाएगा। अब आता है तीसरा ट्रांजिटिव रिलेशन, दैट इज इफ a कॉमा b r के अंदर है और b कॉमा c भी मेरा r के अंदर है, तो इट इम्प्लाइज दैट a कॉमा c भी मेरा r के अंदर होना चाहिए, मतलब a इज इक्वल टू 1/b है और b इज इक्वल टू 1/c है, a इज इक्वल टू 1/b है और b इज इक्वल टू 1/c है, तो इनका मतलब है a इज इक्वल टू 1/c होना चाहिए, ये होना चाहिए। लेकिन अगर मैं b की जगह 1/c रख दूं तो ये क्या हो जाएगा, b की जगह पे मैंने 1/c रख दिया, तो 1/c दैट इज c ऊपर चल जाएगा, तो a और c तो आपस में इक्वल आ गए, a 1/c के इक्वल थोड़ी आया, a तो c के ही इक्वल आ गया, तो ये कभी भी ट्रू नहीं होगा, ठीक है। तो मतलब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव तो नहीं है, लेकिन ये रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन जरूर है, ठीक है। नाइन्थ है हमारा, सेट है हमारा रियल नंबर्स का, सेट क्या है हमारा नाइन्थ में, सेट ऑफ रियल नंबर्स और हमें रिलेशन दिया गया a कॉमा b, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, रिलेशन क्या है हमारा a कॉमा b सच दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये हमारा रिलेशन हमें बोले गए r सिमेट्रिक है पर रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव है मतलब इफ a कॉमा a r के अंदर हो, a कॉमा a क्या हो, r के अंदर हो, तो a कॉमा a r के अंदर होने के लिए दैट इज a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होना चाहिए, दैट इज 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 1, दैट इज a स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2, a स्क्वायर क्या हो गया 1/2 आ गया, तो यहाँ से जो a आएगा वो कितना आ जाएगा मेरा प्लस माइनस 1/√2। तो मतलब ये रियल नंबर, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। दूसरा आता है हमारा सिमेट्रिक रिलेशन, दैट इज इफ a कॉमा b r के अंदर है तो इट मीन्स b कॉमा a भी r के अंदर होना चाहिए, दैट इज
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर 1 है तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर भी 1 होना चाहिए, और वो तो ट्रू हो ही रहा है, तो ये रिलेशन सिमेट्रिक है। ट्रांजिटिव रिलेशन होता है इफ ए कॉमा बी आर के अंदर है और बी कॉमा सी भी आर के अंदर है, तो इट इम्प्लाइज दैट ए कॉमा सी हमारा क्या होना चाहिए, आर के अंदर होना चाहिए। दैट इज ए कॉमा बी आर के अंदर, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हमारा 1 है, और ये कहना चाहते हैं कि हमारा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर भी क्या हो, 1 हो। तो इस वाली इक्वेशन में मैं अगर b की वैल्यू फाइंड आउट कर लूँ तो क्या हो जाएगा मेरा 1 माइनस सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 माइनस सी स्क्वायर यहाँ पर रख देती हूँ, तो b क्या है 1 माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। यहाँ से जब मैं सी स्क्वायर की वैल्यू निकालूंगी तो सी स्क्वायर क्या आ जाएगा मेरा, दैट इज 1 से 1 कैंसिल आउट, सी स्क्वायर आएगा मेरा ए स्क्वायर, तो ये क्या हो गया ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, वही वाली इक्वेशन बन गई जो ये। तो मतलब ये रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है, सिर्फ सिमेट्रिक रिलेशन है। तो ये क्या था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। इस वीडियो का करते हैं अब लास्ट क्वेश्चन, दैट इज आवर क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें बोला गया है डिटरमाइन व्हेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। हमें बोला गया है कि हमें बताना है कि ये दोनों रिलेशन रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव है या नहीं। पहला रिलेशन है ए कॉमा बी सच दैट ए इज लेस देन इक्वल्स टू बी, और ए बी क्या है नेचुरल नंबर पे लाई करते हैं, ए बी क्या है दोनों के दोनों एक नेचुरल नंबर्स हैं, ए इज लेस देन बी, तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। मतलब ए इज लेस देन ए कभी होगा, मतलब ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, दैट इज इट इम्प्लाइज दैट ए कॉमा ए आर के अंदर होना चाहिए, इसका मतलब है ए इज लेस देन ए, ए अपने से छोटा कभी नहीं हो सकता, रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। सिमेट्रिक है दैट इज ए अगर बी से छोटा है तो इसका मतलब है बी ए से छोटा होना चाहिए, तो जब ए छोटा है बी से तो बी छोटा कैसे हो सकता है ए से, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है। अब ट्रांजिटिव दैट इज ए बी से छोटा है एंड बी सी से छोटा है, तो मतलब ए क्या है सी से छोटा है, तो ये क्या है मेरा ट्रू है। ए बी से छोटा है मतलब ए मैं 2 ले लेती हूँ, बी 3 है, बी 3 है सी 4 है, तो ए अपने आप ही क्या हो गया सी से छोटा हो गया, तो ये क्या हो गया मेरा ट्रू हो गया। अब सेकेंड पार्ट है इसका दैट ए इज लेस देन इक्वल्स टू बी, यहाँ पे क्या आ गया ए इज लेस देन इक्वल्स टू बी, तो रिफ्लेक्सिव क्या हो जाएगा मेरा ए इज लेस देन इक्वल्स टू ए, तो ए लेस तो नहीं है पर इक्वल टू है ना, तो ये क्या हो जाएगा मेरा रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। सिमेट्रिक की बात करते हैं तो ए इज लेस देन इक्वल्स टू बी एंड इट इम्प्लाइज दैट बी इज लेस देन इक्वल्स टू ए, तो ए इससे क्या दो पॉसिबल केस अराइज होते हैं, क्या है ए ए क्या हो सकता है लेस देन इक्वल्स टू बी, और ए दूसरा क्या हो सकता है इज इक्वल्स टू बी। अब जब ए लेस देन इक्वल्स टू बी है तो बी लेस देन इक्वल्स टू ए कभी भी नहीं हो सकता, या बी इक्वल्स टू ए कभी भी नहीं हो सकता, तो ये रिलेशन क्या है मेरा सिमेट्रिक रिलेशन तो नहीं है। अब बात आती है ट्रांजिटिव रिलेशन की, तो मतलब इफ ए इज इक्वल्स टू ए, ए इज लेस देन इक्वल्स टू बी और बी इज लेस देन इक्वल्स टू सी, ए क्या है बी से छोटा है या उसके बराबर भी हो सकता है, बी सी से भी छोटा है या उसके बराबर भी हो सकता है, तो ए सी के बराबर होगा या नहीं होगा, तो ए मैं ले लेती हूँ 2, बी मैंने ले लिया 3 और सी मैंने ले लिया 4, तो ए बी से तो छोटा है, ए क्या है बी से तो छोटा है, उसके इक्वल टू नहीं है, बी सी से छोटा है, तो ए सी से क्या हो गया मेरा छोटा आ गया। अब मैंने ए क्या ले लिया 1 ले लिया, बी भी मैंने 1 ले लिया, ये क्या था पहला वाला केस था जब ए बी से छोटा था, तो ए बी से छोटा है, बी सी से छोटा है, तो ए सी से छोटा होगा ही होगा। अब मैंने वो केस लिया कि ए इज इक्वल टू बी दैट इज 1 और 1 है, तो बी इज इक्वल टू सी, बी 1 है तो सी भी क्या होना चाहिए 1, तो ए क्या हो जाएगा 1 के इक्वल, दैट इज ये ट्रांजिटिव रिलेशन है।